हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क टाइप 1 बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि एक किसी काम को n दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम बराबर 1/n हो जाएगा। यदि a का एक दिन का कार्य 1/n भाग है तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। तो 1/n है तो भाग का उल्टा गुना होता है। तो n को गुना में लिखेंगे तो n ऊपर चल जाएगा, n/1। तो n/1 तो नीचे में n का बट्टा का एक का वैल्यू नहीं होता तो क्या हो जाएगा? n। तो बोल रहा है यदि a का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो तो उस पूरे कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेगा। यदि किसी काम में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का अनुपात x/y हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात y/x हो जाएगा। यदि a तथा b किसी काम को क्रमशः मतलब क्या होता है? लगातार x तथा y दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को x/y दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, इस फार्मूला पे हम लोग एक क्वेश्चन अभी बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मनीष और विजय अकेला किसी काम को 12 दिन में तथा 16 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है x/y। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो x/y, तो x है 12 इंटू का मतलब क्या होता है? गुना 12 × 16। y है 16 x/y, तो x है 12 + y है 16 है। अब 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 को 12 से गुना करेंगे तो 16 × 32, 16 × 16 कितना हो जाएगा? 2, 6, 3, 9, 192 12 को 16 में जोड़ेंगे तो 6, 2, 8 हो जाएगा और 1, 1, 2 हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना देर में कटेगा? 4 से कट जाएगा, 4 से 4 चौके 16, तो 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में से 16 गया तो 3, 3 हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 32, तो 4×8 = 32, 48 × 4 = 28, तो कितना हो जाएगा? 48/7, तो 7 को 48 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 48 = 7, 6 = 42, 8 × 2 = 6, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 7। और इसका एक और अथी होता है, इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि यदि मनीष और विजय अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है तो मनीष कितना दिन में करता है? मनीष करता है 12 दिन में और विजय करता है 16 दिन, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 16 का एलसीएम, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2×8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 × 24, 24 × 48, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 12 को 48 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 से 48 कितना बार में कटेगा? 12 × 48 और 16 से 48 कितना बार में कटेगा? 16 × 3 = 48,
तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चार और प्लस तीन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चार तीन सात। तो इसका पूरा टोटल काम कितना है, 48 है टोटल काम। तो 48 बट्टा सात, सात से भाग देंगे 48 में तो कितना हो जाएगा, 6 पूर्णांक 6/7 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी तथा सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए बी तथा सी किसी काम को कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टा एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा एक्स और 15 हो जाएगा वाई और 12 हो जाएगा जेड। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो x है कितना, x है 10 गुना बुंदा का मतलब क्या होता है गुना, और 15 y कितना है 15 गुना और z है 12 हो जाएगा बट्टा x इंटू y। तो x है 10 गुना y है 15 है 15, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे y इंटू जेड, तो y कितना है, y है 15 गुने जेड, जेड है 12 जेड है 12 और फिर प्लस है तो प्लस और जेड इंटू एक्स, तो जेड है 12 और इंटू का मतलब होता है गुना और x है 10 है। तो 15 दाई के कितना हो जाता है 150, और 150 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 गुना 30 और 15 0 5 3 8 180 हो जाएगा, और 10 है तो 10 बैठा देंगे। अब यहाँ पे है बट्टा हो जाएगा, अब 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, प्लस है तो प्लस, 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस है तो प्लस और 12 दाई के 120 हो जाएगा, तो 1800 ऐसे ही रह जाएगा 1800 बट्टा। अब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 000, तो 0 हो जाएगा 2 8 2 10 10 5 15 की 5 8 1 2 1 3 और 1 450 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 9 45 5 3 15 18 में से 15 गया तो 3 3 पे 0 30 5 6 30 और 9 से 36 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 91 9 4 36। तो 4 दिन में काम को समाप्त करेगा 4 दिन में। दोस्तों इसका एक और मेथड होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एलसीएम मेथड होता है इसका, और एलसीएम मेथड तो यह है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में करता है तो ए बी सी, ए करता है 10 दिन और बी करता है 15 दिन और सी करता है 12 दिन। तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस सब का एलसीएम 10, 15, 12 का एलसीएम लेंगे तो 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 5 10 ये नहीं कटेगा, 15 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको 5 से लगाएंगे, पहले 3 से लगाएंगे तो 5 3 5 15 3 2 6, अब 5 से लगेगा, 5 1 5 5 1 5 2, तो 5 2 10 10 3 30 30 2 कितना हो जाएगा 60, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 10 को 60
10 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 छक्के 60, कितना बार में कटेगा, 10 छक्के 60। और 15 को 60 से काटेंगे तो 15 चौके कितना हो जाता है, 15 चौके 60। और 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। तो क्या बोला, तीनों मिलकर, तीन वो आदमी है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबको जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 15। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, तो बराबर में 60 बट्टा 15 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60, 4 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।